बोलिए। ये जिया शहरी जो कि आप देखिए रात का समय है, ये आराम से सोए हुए हैं। ये देखिए सामने बिल्कुल आराम से कुरबक सिंह, और इधर देवांश अंधेरे में खो गया है, इसे पता नहीं लग रहा। नीचे दृश्य, इधर से रुद्रा, और इधर जो सो रहे हैं पुराने, ये कौन है? हरियाणा से। तो ये आपस में एडजस्टमेंट हो गई है, पूरी अच्छी तरह से नींद ले रहे हैं। और ये सामने देखिए रप्पू, रप्री कुछ खुलासा कर रहे हैं हमारे रुद्र का, कहीं बैठ चला गया है। अब ये उसके बारे में बताने जा रहे हैं, हुआ क्या था। सर ये कि अपना राइज रेस्ट ऑफ बिहार से पहले जब मैच था, उसके एक दिन पहले इसकी बैग में बैट था, ये कह रहा मैंने देखा भी है। उसके बाद जब मैच खेल के आया तो उसके बाद इसके पास बैट नहीं था, तो मैंने बस इतना देखा था जब ये बैट करके बैठा था कि कुछ बच्चे मतलब किट के आसपास घूम रहे थे, तो मैंने तो अपनी किट के ऊपर ध्यान रखा था। अब वो इसके ऊपर है, वो अपनी चीज़ की कैसी केयर करता है। और प्लस पॉइंट ये भी है क्योंकि अपने हम जितनी भी टीममेट से पूछोगे, हम इससे बार बार पूछते थे कमरे का दरवाज़ा बंद करके आया नहीं आया, लॉक करके नहीं आया था, पर ये हमेशा लॉक करना भूल जाता था। एक दिन मैं भी इसके कमरे में गया था, ये कह रहा था मैंने लॉक करा हुआ है, पर इसके लॉक खुला हुआ था गेट का। रुद्र अगर आप थोड़ा सा इतना केयरलेस है, कभी जब इंस्ट्रक्शंस मिलती है कप्तान साहब का कुछ बोलते हैं तो उनको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिला है कि आप अपने आप को केयरलेस ना करके थोड़ा सा अपने आप को बदलो। एक एक्सपोजर होता है, ठीक है, एक बैट आपका खोया है कहीं, उस बैट का कहीं ना कहीं चलो टाइम लगेगा थोड़ा सा कि कभी ना कभी फिर आ जाएगा दोबारा। पर क्या होता है कि अब किसी को हम ऐसे बोलें, किसी को सोचें, वो सब गलत हो जाएगा। ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर सभी सोए हुए हैं, तो ठीक है इंजॉय करो अभी सोने का, और कल हम दिल्ली पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। और अगली कार्रवाई बाद में होती है कि आप क्रिकेट में ध्यान दें, अपने को बदलें। थैंक यू भाई कप्तान साहब, तो आपने थोड़ा सा बताया। और अगर अब आप खुश हो सारे, थोड़ा सा देखो हमारे भी स्ट्रेस है, हमारा हमने खुशी उस तरीके से नहीं है अभी लग रही कि जिस तरीके से हम सोचते थे, क्योंकि हमारे हम भी परेशान हैं कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, ये भी एक बिटर एक्सपीरियंस हमारा आपके साथ चले हैं। कुछ बातें होती रहती हैं, एक परिवार है, परिवार के साथ सब बातें ऊँच नीच चलती रहती हैं। तो इस टूर को एक एक्सपीरियंस अच्छा मानिए। आपने 3 मैच खेले, 3 मैच में अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके मिलती रही, पर आपको बैटिंग करने का पूरा मौका मिला, उसमें आप अपने आप को उपयोग नहीं कर पाए, जिसमें आपको उम्मीदें थी कि रन बनेंगे। पर आपने बाहर आके ये देखा कि एक्सपीरियंस कितना बड़ा मिला, एक्सपोजर कितना बड़ा, फिर भी आपको किसी ने बीसी से ज़रूर आए, उन्होंने आपको कुछ बताया बॉलिंग के बारे में चेक करने के लिए, नहीं तो बैन लग सकता है बॉलिंग पे, या फिर बैटिंग पे प्योर ध्यान दो अगर आप अपने हाथ को ठीक नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें हैं, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस जो होती है उसके अंदर बैटिंग 5वें 6वें नंबर पर आती है, और बॉलिंग अगर बीच में आती है। तो इस तरीके से स्पिनर बनना चाहते हो तो पूरे अपने हाथ को ठीक करो, ठीक है जी। अगर आप अपनी मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, सेल्फ मेहनत चाहिए, ये नहीं कि आप इसको आप सोचो कि किसी ने कुछ कह दिया और मैंने सुन लिया और चले गए, उसके बाद ठीक ही नहीं किया। आज तक ठीक नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हमने भी वही बात बोली, आपको सिखाया था हमने भी वो चीज़ करने, ठीक करने के लिए हाथ ऊपर से लाओ, रोटेट करो, पर आपने अभी तक उस चीज़ को ठीक नहीं किया। यहाँ के हाथ रुकता है कहीं ना कहीं, पर किसी टूर्नामेंट में तो आप हो जाओगे, कोई अंपायर बोलता है कोई नहीं बोलता, पर लेवल पे जाओगे, ऊँचे लेवल की बात करते हो, किसी भी स्टेट लेवल पे पहुँचते हो, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर आपको बैन लग के वापस आएंगे। हरभजन सिंह भी चक्का आया था एक बार, तो उसे स्पेशल NCA भेजा गया था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो। स्पिनर के लिए यही काम होते हैं कि अपने आप को स्पिन अच्छा रखो, फ्लाइट दो, तेज़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसको हाथ रोटेट पूरा करो। गुरबख्श सिंह जो है वो आज हमारे एक इस टूर के नए खिलाड़ी हैं, और अच्छी स्पीड लेकर चल रहे हैं, इसको चुना गया। और ये देखिए गुरबख्श सिंह जी, आपके अपने व्यूज़ क्या हैं यहाँ पर आते हैं? आप काफ़ी कुछ बोले, खुसर फुसर काफ़ी किया आपने कमरे में बैठ के,
और किसी कहने में कई बातें आपने उठाई, ऑब्जेक्शन भी किया हम पे, पर आप ये बताओ आपको क्रिकेट खिलाने लाए हैं, आपको क्रिकेट खिलाया है, या तो आपको क्रिकेट ना खिलाया हो वैसे ही घुमा रहा हूँ पटना में, फिर तो आप उससे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। क्रिकेट की बात किया करो, बाकी का काम पेरेंट्स का है, जो आप सोचेंगे या क्या सोचेंगे। तो हर बात, आप मैच्योर लड़के हो, मैच्योरिटी दिखाओ, 19 साल के हो रहे हो, आपका कैरियर अभी तक आपने किसी जगह भी क्रिकेट नहीं खेला, जिस लेवल की आपकी गेंद है उस लेवल में आपने कहीं भी क्रिकेट नहीं खेला अभी तक, तो ये पहला एक्सपीरियंस आपका, ठीक है। तो आपको जी एस शहरी अगर आपको लेके आए हैं तो कुछ सोच के लाए हैं, और सोचने का मतलब ये होता है आगे हमारे डी डी सी लीग चलती है, डी डी सी लीग के अंदर ट्रायल्स होते हैं, अगर कोई लड़का मांगता है तो ट्रायल्स में आपको जाना है तो कहीं भी आपको भेज सकता हूँ मैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी हमारे साथ। अगर आप जल्दबाजी में अपनी यंग जो यंग ब्लड बन जाते हो उसमें आप अगर ऐसा काम करोगे तो आपको आगे क्रिकेट नहीं मिल पाएगा। ये छोटा क्रिकेट नहीं है, बहुत लंबा क्रिकेट है। अपनी काबिलियत को कैश करने की कोशिश करो, कहीं भी आप जाओ, मैं आपको चेन्नई भेज सकता हूँ, और वहाँ पेस क्रिकेट अकेडमी होती है जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट हो सकती है बॉलिंग में, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि आप आगे NCAA में जा सकते हो। ये ध्यान रखना मेरी बात को, मेरे में जो पावर्स हैं मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं करता, जब करूँगा तो अपने आप बच्चे खेलते हैं, जिसका मैं कह दूँ जिस पर ध्यान देते हैं उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं, पर आपको उससे उसके लिए ज़रूरी है हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए। अगर हैरी सर कोई काम करते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आपको पता नहीं क्या क्या करना है, अभी आप ये समझिए, तो ये अपनी काबिलियत को छुपाओ मत, अपने आगे निकालो, हम आपको आगे निकालने के लिए लाए हैं, घर से उठा के यहाँ तक लाए हैं ना, तो कुछ सोच के लाए थे, उससे आपकी दोस्ती बनी कप्तान साहब से, रवप्रीत से, और ये अच्छी बात है कि आपस में अगर आप विचार बन जाते हैं एक दूसरे से, एक यूनिवर्सल, एक स्पिनर, एक बल्लेबाज, ऐसे टीम इंक्रीज होती है, बनती है, और आप जैसे लड़कों से अगर टीम बन जाती है तो उसके बाद हमारा नाम फिर वापस दिल्ली में तहलका मचाने वाला है। इस बात को सोच के चलो, एक तो कम्युनिटी इफेक्ट है और एक दूसरा जो है आपके विचार, दोनों को एक तरह रखो, सब ऊपर वाले का काम है, हमारे पास क्या बचता है क्या नहीं बचता ये आपका सोचना नहीं है, ठीक है। तब तक लिए चलो अगले वीडियो बनेगा, पर आप इस वक्त आप पूरा एंजॉय कर रहे हो, सोने का मज़ा ले रहे हो, सीट का, AC टिकट का, जो अभी तक सुबह उठ के तुमने ना जाने क्या क्या बोल दिया, तो वो सोच के हम थोड़ा परेशान थे, तो इसलिए आपसे गुफ्तगू की और अच्छा लगा कि आप लोग अब जो है आराम से जा रहे हो, ये आपको आप अपने अब क्या कहना चाहते हो, अब जब आराम से सो रहे हो, मज़ा, अच्छा सोने का ही मज़ा आता है, अच्छा चलो ये बात अच्छी है। अब ये बच्चों वाली बात कर दी, पहले मैच्योरिटी वाली बात कर रहे थे, इनके अंदर लड़कपन ज़्यादा है और लड़ाई करने की ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, दिमाग ज़्यादा लगता है, तो इन चीज़ों से बचना है, क्रिकेट खेलना है तो आगे बढ़ना है तो थोड़ा सोच के चलो, ठीक है। बोलने से पहले कुछ करो, पहले सिर्फ क्रिकेट की बात करा करो बस, इससे अलावा कोई बात मत करो फालतू की, खाना पीना करना ये सब जो हमारा काम है, अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट करना हमारा काम है, कैसे मैनेज करते हैं कैसे नहीं करते ये पेरेंट्स का काम होता है, गार्डियन का काम होता है या कोचिस का काम होता है, ठीक है। तो धन्यवाद बेटे।